प्रोसेस किस तरीके से होता है। आप देख रहे होंगे ऑर्केस्ट्रा से छोटी छोटी चौकी के बाद बेलर में आ रहे हैं, बेलर को प्रॉपर तरीके से रैप कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप इसकी पूरे तरीके से 18 से 20 लेयर में आपके ऊपर जो कंप्रेस होने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेते हैं। फाइनली दिखाऊँ कि जब साइलेंट तैयार हो जाते हैं तो उसका टेक्स्चर कैसा होता है, उसका अरोमा कैसा होता है और उसका कलर कैसा होता है, मैं आपको बता दूँ। ये देखिएगा जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ माशाल्लाह। ये देखिएगा, ये देखिए पूरा का पूरा इसके अंदर दाना कलर ऑलिव ग्रीन है और एक एक दाना आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको चेक करवा रहा हूँ जी कि जब हम इसको निकालते हैं बाहर तो इसका अरोमा कैसा होता है माशाल्लाह। ये देखिए, ये मैं आपको चाहूंगा कि दिखाऊँ, क्लोजअप करे जरा, क्लोजअप देखिए। पूरा दाना है शानदार साइलेज में, 300 से 400 ग्राम सिर्फ मकई का दाना होता है। ये मकई का दलिया है, अगर आप देखें बारीक बारीक टूटा हुआ दलिया, जिसकी वजह से इसका प्रोटीन लेवल 8 से 9% हो जाता है। इस वक्त जो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, जरा इसको और फर्दर करें क्लोजअप, ये देखें, इसको कहते हैं शानदार साइलेज। पूरा दाना आपको इसके अंदर जो है नजर आ रहा होगा, ये देखिए, और ये पूरा दाना टूटा हुआ है। कलर देखें आप इसका, आप देखें चौकी कितनी है और इसकी खुशबू, माय गॉड, जानवर का सबसे फेवरेट साइलेंट शानदार साइलेंट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था शानदार कराची से लेके कश्मीर तक फिर हमने किसान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी किसान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। चारे की कमी और पूरे साल किस तरीके से चारे के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कई एकड़ जगह चाहिए, उसकी स्टाफ चाहिए, उठा कर लगाए, काट के लगाए, सबका बच गए। शानदार ने जो वादा किया वो हमेशा पूरा किया, क्योंकि हम पाकिस्तान के किसान की और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। दोस्तों ये पैगाम उस तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ जो अपनी डेली पार्किंग पैदल पार्किंग को इस वक्त सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि वो चारा पूरा नहीं कर सकते। अब आपको परेशान होने की किस चीज़ का इंतजार है यार, हमें कॉल करें 0300-843-619 और 0333-443-619। शानदार का किसान फख्र पाकिस्तान, मेरी तरफ से शानदार साइलेंट की टीम की तरफ से पाकिस्तान के तमाम किसानों को आई लव यू।